Good morning, students. This is Dharmendra Kumar, and welcome to the Advanced Government School online classes. Dear students, previous class में हमने exercise 3.1 का question number 1-6 तक किया था, ठीक है? अब हम question number 7 को start कर रहे हैं, ठीक है? So open your books and get ready and go to the page number 34. क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करेंगे हम यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन के बारे में हम डिस्कस और कर लेते हैं. नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन इस तरह से होती है, ठीक है? जिस पर हम साइड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पे इनमें 0 होता है, ठीक है? इस साइड पर है माइनस की वैल्यूज होती है, ठीक है? ठीक है, साइज प्लस ये ले लेते हैं, ठीक है? इस साइज माइनस की वैल्यू होती है, साइज प्लस की वैल्यू होती है. इस साइज से अगर आप इस साइड जाओ, इस साइड से अगर आप साइड जाओगे, इस साइड जाओगे तो आप डिक्रीजिंग छोटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते जाओगे. मतलब जैसे आप डिक्रीजिंग फॉर्म हो गया, मतलब क्या है कि आप यहां से चलिए, सबको नहीं, यहां से आप यहां पे गए, ठीक है? तो क्या होगा, 6 जो सबसे बड़ा है, ठीक है? मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब 6 बड़ा है, फिर 5 उससे छोटा है, फिर 4 उससे छोटा है, फिर 3 उससे छोटा है, फिर 2 उससे छोटा है, फिर 1 उससे छोटा है, फिर 0 उससे छोटा है. फिर 0 से छोटा क्या होता है? माइनस 1 से छोटा क्या होता है? -2 -3 -4 -5 -6 -7. इस तरह से ये क्या हो रहा है, आपने इधर गए तो ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है? अगर सपोज कीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि ये है -2 और ये है -3, तो -2 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? -2 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? समझिए मैंने आपको क्या बताया, क्या इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, सम जो है नंबर से हम घटते जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में घट जाते हैं, ठीक है? तो कैसे, -2 जो है वो 0 के साइड है, 0 के साइड मतलब सब 0 के साइड वाली संख्या है ना, वो 0 से छोटी है, और 0 के साइड वाली जो संख्या है, जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो बड़ी है, 0 से बड़ी है, ठीक है? तो 0 के साइड क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 के साइड क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है? तो -2 और +2 में बड़ा कौन सा होगा? +2 बड़ा होगा. क्यों बड़ा होगा? क्योंकि +2 है ना, प्लस की नंबर है, प्लस का नंबर है, ठीक है? प्लस के नंबर हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है, माइनस के नंबर से. सपोज कीजिए -1 और -2 के बारे में आपसे बोला जा रहा है, -1 और -2 में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है? तो जो प्लस नहीं, -1 में और -1 में और +1 में सबसे बड़ा कौन है, ये आपसे बोला जा रहा है. तो आप समझ जाइए कि +1 है वो बड़ा है -1 से, ठीक है? अब हमसे बोला जा रहा है कि यूजिंग नंबर लाइन राइट डाउन द फॉलोइंग नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर लिखना है आपको. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? असेंडिंग मतलब छोटा सबसे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है? तो अब हम इधर से बात करें, ये जो डायरेक्शन है वो क्या है? असेंडिंग डायरेक्शन है. मतलब हम इधर से जाते हैं तो असेंडिंग डायरेक्शन में जाते हैं. तो फर्स्ट नंबर देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -1 -8 -3 6 और 5 मैंने मिक्स क्लास में आपको बताया था ये, ठीक है? तो इन सभी में बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा आपका 6. क्यों? क्योंकि माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो सबसे बड़ा होगा 6. अब 6 हटा दिया जाए यहां से. अब
इनमें सबसे बड़ा कौन सा है वो हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? माइनस वन है, माइनस थ्री है, माइनस थ्री, माइनस फाइव। तो माइनस की संख्याओं में एक बार फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए बात को। माइनस की संख्याओं में जो ज्यादा, जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी उतनी ज्यादा छोटी संख्या होगी। मतलब आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या लिखा है आपको, सबसे बड़ा लिखा आपको ए। जो एट है ना वो माइनस का है, तो माइनस की संख्या होता है, माइनस की जो संख्या होती है अपोजिट होता है, उल्टा होता है पूरा। तो उनमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा संख्या बड़ी होगी वो जितनी ज्यादा छोटी होगी। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? एट है, तो एट सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहते हैं माइनस एट सबसे छोटा है, मतलब उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स से छोटा कौन है, सिक्स से छोटा कौन है, सिक्स से छोटा तो माइनस की संख्या सारी है। माइनस की संख्याओं में क्या होता है, उल्टा होता है बेटा, होता है जितनी ज्यादा बड़ी संख्या होगी उतनी ज्यादा छोटी होगी, जितनी ज्यादा छोटी संख्या होगी उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो माइनस इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? वन है, तो ये माइनस वन सबसे बड़ा होगा, इन संख्याओं में सबसे बड़ा होगा, छह से छोटा होगा। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, फिर उससे छोटा होगा माइनस थ्री। ठीक है, फिर माइनस एट फाइव, फिर माइनस इस तरीके। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, सॉरी असेंडिंग का ऑर्डर होता है, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया हमको। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे होता है कि सबसे पहले छोटा, ठीक है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सॉरी उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये होगा आपका। तो इन दोनों को हमने दोनों में जमा दिया, हो गया आपका डिसेंडिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, इसी तरह आप डिसेंडिंग ऑर्डर पे समझ सकते हैं इनको। अब हमको करना है इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब क्या करना है, हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए एक सेपरेट क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस सेपरेट क्लास में हम इसे इवेल्युएशन सीखेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा एवेल्युएशन सीखेंगे। एवेल्युएशन के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ अभी। ठीक है, क्या लिखा है, फाइव एट है, ये माइनस, यहाँ पे माइनस सिक्स लिखा हुआ है, प्लस है, ये प्लस का एट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एवेल्युएशन की सबसे पहले आप समझिए कि माइनस और माइनस मिलकर बनाते हैं प्लस। ठीक है, प्लस और प्लस मिलकर बनाते हैं प्लस, माइनस और प्लस मिलकर बनाते हैं माइनस, और माइनस प्लस और माइनस मिलकर बनाते हैं माइनस। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अभी आप इसको सॉल्यूशन में देखिए, अभी आप इसको देखिए, क्योंकि इससे बिना ये वैल्यूशन आपको क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब ये सपोज कीजिए अगर हम एडिशन कर रहे हैं, अभी हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो एडिशन में अगर एक वैल्यू माइनस की है दूसरी वैल्यू माइनस की है तो क्या हुआ, वहां पे फिर एडिशन होगा आपका, प्लस नहीं बताइए इसको एडिशन बताइए। थोड़ा सा उसको आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एडिशन होगा, यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, किधर हुआ आपको, माइनस माइनस की अगर दो वैल्यू माइनस की है, ठीक है, और हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा, दोनों वैल्यू प्लस की है तो भी एडिशन होगा। ठीक है, अगर एक वैल्यू माइनस की दूसरी प्लस की है तब सब्सट्रैक्शन होगा, इसके अपोजिट
और एक पहले प्लस की दूसरी माइनस की, तब क्या होगा एडिशन होगा, ठीक है। और जो साइन हम लेंगे आंसर को वो ग्रेटर नंबर का साइन होगा, ठीक है। तो कैसे नेक्स्ट बार एक बार बताता हूं आपको, माइनस फाइव और माइनस टू अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू माइनस की है, वैल्यू प्लस की है, माइनस की है क्या होगा माइनस माइनस का एडिशन होगा, तो फाइव प्लस टू कितने होंगे सेवन होगा, लेकिन जो आंसर आएगा आपको माइनस फाइव आएगा क्योंकि ये इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो प्लस है, ठीक है। आज के लिए तक आप नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे।